हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, खुश हैं और मस्त हैं। सो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, दिस इज़ अ फेम ब्लीच गोल्ड स्पेशल गोल्डन ग्लो इन 15 मिनट्स। ये ब्लीच है फेम की एंड मैं इसी को यूज़ करती हूँ एंड मुझे यूज़ किए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है एंड इस पैक में भी मैंने यूज़ कर लिया। उसी के बाद मैं आपके साथ में एक इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि ये कैसी है। बट उससे पहले कि बहुत लोगों के मतलब एक डाउट होता है ना कि ब्लीच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, स्किन को इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई रिएक्शन ना हो जाए, बट सभी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है अगर आप यूज़ करें तो उसका पहले तो पैच टेस्ट ले लीजिए। अगर आपको कोई भी उससे प्रॉब्लम होनी होगी तो वहीं पर आपको पता चल जाएगी, तो आपको फेस नहीं बेकार होगा। सो कभी भी पैच टेस्ट लीजिए तो ईयर के पास में लीजिए या नेक पे लीजिए, कभी भी फेस पे ना लीजिए। एंड इट मीन्स कि जो हाइड एरिया होते हैं ना वहीं पर पैच टेस्ट करिए या हैंड पे कर लीजिए पैच टेस्ट, बट फेस पे मत करिए, ओके। एंड ब्लीच आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। अगर आप घर पर रहते हैं तो ना मंथ आप वन टाइम कर सकते हैं, अगर आप बाहर आते जाते हैं कंटिन्यू आप आते जाते हैं तो 15 डेज में आपको एक बार ब्लीच ज़रूर करनी चाहिए। ब्लीच जो होती है वो हमारी स्किन में जो डेड स्किन हो जाती है उसको रिमूव करती है एंड डर्ट को रिमूव करती है, जो भी पॉल्यूशन से जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली होती उन सबको रिमूव करती है एंड स्किन को एक ब्रीथ मिलती है, सांस मिलती है, सांस लेने के लिए एक आप कह सकते हैं कि जब सारी डर्ट है, पॉल्यूशन है एंड डेड स्किन निकल जाती है तो स्किन बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाती है और जितने अच्छे से ब्रीथ करती उतनी ज़्यादा ग्लोई एंड हेल्थी स्किन होती है। तो इट मीन्स कि आपको ब्लीच करनी चाहिए, ब्लीच करने से कोई हार्म नहीं होता एंड ये मेरे साथ भी था कि मुझे भी ये लगता था कि ब्लीच नहीं करूँ उससे फेस मेरा ख़राब हो जाएगा, बट नो, आप 15 डेज में या मंथ में वन टाइम आप ज़रूर कर सकते हैं। बट आपको एक्टिवेटर का ध्यान रखना है। अगर आप घर पर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर आपको मिक्स करने की नीड नहीं है एंड आपकी स्किन कैसी है, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आपको बहुत कम एक्टिवेटर यूज़ करना है एंड अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, एक्टिवेटर को वो बहुत अच्छे से कैरी कर लेती है, तो आप 1:10 के अनुपात में जो एक्टिवेटर है वो अप्लाई किया जाता है, यानी कि ब्लीच के जो क्रीमी टेक्सचर होता है उसमें मिक्स किया जाता है, सो आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ फेम, ये तो थी जो मैंने ब्लीच के बारे में आपको जानकारी दी है, ओके। बट मेरी फिर भी एडवाइस है, अगर आप ब्लीच फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए और जो ब्लीच आपको सूट करती है उसके उसी को आप ट्राई करें एंड अगर आप कोई नई ब्लीच ट्राई भी करना चाह रहे हैं तो उसका पैच टेस्ट ज़रूर ले लीजिए, उसके बाद ही आप ब्लीच को अप्लाई करिए। सो दिस इज़ अ फेम क्रीम ब्लीच गोल्ड स्पेशल गोल्डन ग्लो इन 15 मिनट्स में गोल्ड मतलब ग्लो देती है, गोल्डन जैसा, सोने जैसा एंड ये 40 ग्राम की इसकी क्वांटिटी होती है। 35 ग्राम आपको इसमें क्रीम ब्लीच मिलती है एंड 5 ग्राम आपको एक्टिवेटर मिलता है। 75 रुपीज़ की इसकी MRP है एंड इसकी सेल्फ लाइफ आपको सिर्फ 1 ईयर की सेल्फ लाइफ मिलती है, यानी 2022 की MFG है एंड एक्सपायरी इसकी 23 की है, ओके। सो आपको इसमें 1 ईयर की सेल्फ लाइफ मिल जाती है। डायरेक्शन इसमें आपके मेंशन किए गए हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ये आपकी स्किन को इवन करती है, ग्लोई बनाती है आपके स्किन को एंड स्किन में ब्राइटनिंग देती है, क्लियर कॉम्प्लेक्शन करती है, यानी कॉम्प्लेक्शन भी क्लियर होता है, साफ़ होता है एंड स्किन को नरिशमेंट भी करती है। एंड इट्स ट्रू कि जब आप ब्लीच अप्लाई करते हैं तो आफ्टर 1 डेज या 2 डेज बाद स्किन में वाकई बहुत ग्लो आता है एंड बहुत अच्छे से स्किन जो फेस है वो निखर कर भी आता है, सो ब्राइटनिंग मिलती है, कॉम्प्लेक्शन क्लियर होता है, इट्स अ ट्रू, ये मेरे साथ में हुआ है, ओके। सो ये मुझे इसके बेनिफिट मिलते हैं जब मैं ये अप्लाई करती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की बॉटल में ये है इतनी बड़ी, जिसमें कि क्रीम ब्लीच है एंड ये 35 ग्राम की इसमें क्वांटिटी है एंड इसके बाद आपको मिलता है ये इस तरीके की ये डिब्बी, जिसमें कि है एक्टिवेटर, जो 5 ग्राम की क्वांटिटी के साथ में ये एक्टिवेटर मिलता है। इसके साथ आपको मिलता है एक ये स्पैचुला टाइप का, जिसमें कि आप इसको मिक्स कर प्रोडक्ट लेके मिक्स कर सकते हैं, ओके। एंड इसके साथ में आपको मिलती है ये इस तरीके की एक स्पून एंड मैंने यूज़ किया है, सो यू कैन सी, इससे आप क्रीम ले सकते हैं, इससे आप एक्टिवेटर एंड इससे आपको मिक्स करके अप्लाई करना। इसके साथ में एक छोटी सी प्लेट भी थी जो मुझसे मिस हो गई, बिकॉज ऑफ मैं
उस प्लेट में नहीं बनाती हूँ। और एक चीज़, कभी भी ब्लीच को आप किसी धातु के बर्तन में मत मिक्स करें, इट मीन्स कि स्टील का, लोहे का, तांबे का, कांसे का, ऐसा कोई भी आप बर्तन ना यूज़ करें। आप सिर्फ़ और सिर्फ कांच का ही बर्तन लें एंड उसी में ही आप ब्लीच को मिक्स करें एक्टिवेटर के साथ। एंड ब्लीच को एक्टिवेटर के साथ मिक्स करने के बाद आप उसे तुरंत अप्लाई करें, उसे रखें नहीं, क्योंकि रखने के बाद वो फिर ख़राब हो जाती है। सो मैं आपको क्रीम का एक टेक्सचर दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा होता है क्रीम का, उसके बाद फिर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि इसे आपको कैसे अप्लाई करना है। ओके, सो दिस इज़ अ टेक्सचर, यू कैन सी मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया है। एंड आप ये जब बड़ा पैक लेते हैं तो इससे आपको बेनिफिट ये रहता है कि इसे आप, इसमें तो लिखा हुआ है कि 5 times यूजेज है, बट 5 times नहीं, आप फेस पे एंड नेक पे अप्लाई करते हैं तो 3 to 4 times बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है बिकॉज ऑफ मेरा। तो हम ब्लीच लगाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए एंड ब्लीच कैसे अप्लाई करनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊँगी ब्लीच अप्लाई करते करते कि ब्लीच में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सो लेट्स गो। सो गाइज, यहाँ पर मैंने अपने फेस को फेस वॉश से वॉश कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर गुलाब जल से डबल क्लिनजिंग कर रही हूँ। रिमूवर पैड पे मैं यहाँ पर थोड़ा सा गुलाब जल लूँगी एंड उससे अपने फेस को अच्छे से वाइप आउट करूँगी। एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल भी डस्ट नहीं निकली है। जब भी आप ब्लीच अप्लाई करें तो अपने फेस को क्लीन ज़रूर कर लें। उसके बाद मैं बालों को टाई करूँगी, इनको अच्छे से टाई कर लें जिससे कि फेस पर ना आए। इसके बाद आप जो भी बर्तन लें उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, फिर आप क्रीम लें एंड एक्टिवेटर लें। अगर आप पहली बार यूज़ कर तो एक्टिवेटर की मात्रा कम रखें एंड उसके बाद आप उसके हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाते रहें। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, जब तक ये कुछ ऐसा फ्लफी टेक्सचर नहीं हो जाता तब तक आपको इसको मिक्स करना है। अमूमन आपको 1 minute तक आपको इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको इसे रखना नहीं है, तुरंत अप्लाई करना है। एंड ये क्लीन सा ब्रश लेके मैं उससे अप्लाई करूंगी नोज से ईयर की साइड। एंड जब भी आप ब्लीच अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ी सी टिंगलिंग होगी, इट मीन्स कि हल्की से आपके आंसू आएंगे, इट्स अ कॉमन। लेकिन अगर आपको रैशेस होने लगते, रेडनेस होने लगती है तो आप रिमूव कर दीजिए ब्लीच को। एंड ब्लीच अप्लाई करने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर लीजिए। एंड इसको मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर ली हूँ, नेक पर अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले, नेक पर, ईयर पे। एंड इसको मैं 10 to 15 minutes तक रखूँगी, उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फूल गई है जगह जगह से, इट मीन्स कि सारा डस्ट जो भी है फूल के ऊपर आ चुका है। एंड इसके बाद मैं पैड को गीला करूँगी पानी से, उसके बाद इससे पूरा ब्लीच जो है इसको रिमूव करूँगी। अच्छे से रिमूव करने के बाद आपको सिंपल वाटर से ही वॉश करना, कोई फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है। एंड इसको वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं दिस इज़ अ रिज़ल्ट, कितने अच्छे से स्किन जो है वो क्लीन हुई है। आफ्टर 1 to 2 days आपके फेस पे अच्छे से निखार आएगा, अच्छे से क्लीन अप और इसमें ब्राइटनिंग बढ़ेगी। सो ब्लीच यूज़ करिए, बस ब्लीच लगाने के बाद धूप में ना निकले। आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक।